मोदी जी के एक तारीख एक घंटा एक साथ के थीम के साथ आईजीएल के सभी अधिकारियों द्वारा श्रमदान कर साफ सफाई किया गया। गांधी जयंती पर आईजीएल करेगा 400 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित। देखिए आईजीएल बिजनेस हेड एसके शुक्ल इनसाइडर लाइव के साथ खास बातचीत। मोदी और योगी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा आईजीएल परिवार, एसके शुक्ल। आज आईजीएल में किया गया, देखिए प्रधानमंत्री जी का एक तारीख एक घंटा एक साथ के मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे अधिकारियों के द्वारा जो है आज आईजीएल परिसर में श्रमदान किया गया, सारी चीजों की साफ सफाई की गई ताकि जो है हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैसेज हमने इस परिसर से यहाँ के लोगों को दिया। सर अगर बात करें कल गांधी जयंती है 2 अक्टूबर है तो इसके लिए आईजीएल को आईजीएल की क्या तैयारी है? देखिए हर वर्ष जो है हम गांधी जयंती एक अलग उत्साह के साथ मनाते हैं और शुरू आज 5 साल है, 5 सालों में हम हर साल कुछ न कुछ जो है सफाई कर्मचारियों के लिए किए हैं तो कल का कार्यक्रम कुछ अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी जिसमें स्कूल के बच्चे स्वच्छता संदेश इस शहर के रास्तों पे बैनर्स पे और लोगों के द्वारा जो है ये दिया जाएगा कि ये हमारा शहर है, इसको स्वच्छ रखें। और इसके साथ प्रभात फेरी जो है वो गांधी जी की प्रतिमा के पास विसर्जित हो जाएगी। पुनः 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम तकरीबन 400 सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किए हुए हैं जिसमें गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी और सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी के साथ मेयर मंगलेश श्रीवास्तव जी की उपस्थिति रहेगी तथा उस अवसर पे वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी होंगे, कुछ गणमान्य अतिथि भी होंगे, उनके बीच में ये समारोह ये अभिनंदन जो है हम स्वच्छता प्रतिनिधियों का करने जा रहे हैं। सर इनसाइडर लाइव से बातचीत करने शुरू करें। सर आईजीएल परिसर में आज आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे एक तारीख एक घंटा एक साथ मिलकर कार्य स्वच्छता पखवाड़ा जो चलाया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ला ने आईजीएल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया और इसके तहत एक संदेश दिया कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन और मिशन है कि स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध स्वरोजगार और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में पहला ये कदम है और इसी परिप्रेक्ष्य में बिजनेस हेड एसके शुक्ला द्वारा आयोजित कराया गया और कल भी 400 से अधिक नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और सुबह 6 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक एक स्वच्छता अभियान की रैली निकाली जाएगी जिसमें हमारे साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लोग होंगे, आईजीएल के अधिकारी और कर्मचारी होंगे और कुछ बाहरी गणमान्य नागरिक होंगे जो इस रैली में भाग लेंगे। सबका एक ही उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध और स्वरोजगार के साथ साथ सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पहल की जाए। ये कार्यक्रम जो है गांधी जयंती के अवसर पर किया जा रहा है तो किस प्रकार आईजीएल जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित है? गांधी जी के तीन जो विचार थे आदर्शवादी, सिद्धांतवादी और अहिंसावादी, इन तीनों विचारों को आईजीएल पूरी तरीके से सारगर्भित करते हुए काम करती है और हमेशा समाज के क्षेत्रों में समाज के गरीब लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके साथ खड़ी होकर काम करती है। इसी क्रम में आईजीएल द्वारा ये सब कार्यक्रम 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता की जयंती पर किए जा रहे हैं और हर वर्ष किए जाते हैं। पिछले करीब 5 वर्षों से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम राष्ट्रपिता की जयंती पर किए जाते हैं। कल न कि राष्ट्रपिता की जयंती के साथ साथ भारत के सबसे यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्मतिथि है तो हम लोग दोनों की जन्मतिथियों को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसमें सब सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्रूट्स और जूस देके और जो हमारे लोग हैं कुछ जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इनको सम्मानित करेंगे और पुलिस यातायात के कुछ अधिकारी और महिला सब इंस्पेक्टर हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा और हम लोग सम्मानित करने वाले सबको कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह और सफाई कर्मियों को हम लोग उनको पैंट शर्ट और महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं, टिफिन बॉक्स दे रहे हैं और मिष्ठान का डब्बा दे रहे हैं। सर इनसाइडर लाइव से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।